जय श्री कृष्ण। हैप्पी गीता जयंती। मित्रों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। इस साल 25 दिसंबर 2020 को गीता जयंती मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में गीता का महत्व अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए हर साल इस तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्री भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें से मैं इस महान अवसर पर एक श्लोक और उसका भावार्थ बताना चाहता हूं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम्। यानी हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सुख प्राप्त हो, इसके लिए वह भटकता रहता है। लेकिन सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। और जिस मन में शांति न हो, उसे सुख कहां से प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों, मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।